Hello everyone, so let us understand the steps in data processing. तो data processing में क्या steps होते हैं, let us understand that. तो देखिए quantitative and qualitative data के लिए सबसे पहले देखो interviews, questionnaires, observations है ना, ये तो हम करते हैं. data collect कैसे करते हैं हम, interview के through, questionnaire के through, observation, in-depth focus, group interview, ऐसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. फिर सेकेंडरी सोर्सेज में देन वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज. ओके, सो अब जो अदर स्टेप्स होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करने में काम आते हैं, वो होता है हमारा एडिटिंग, देन वी हैव कोडिंग, देन वी हैव एनालिसिस. तो एडिटिंग की बात करें तो उसमें जैसे हमारा आ गया, एडिटिंग में तो कुछ स्टेप नहीं है, एडिटिंग एक फर्दर स्टेप है. उसके बाद कोडिंग है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं. एक है डेवलपिंग थीम्स, फिर है कंटेंट, डेवलपिंग थीम्स, देन वी हैव डेवलपिंग अ कोड बुक, ये इसके स्टेप्स हैं. प्री टेस्टिंग द कोड बुक, कोडिंग डाटा, वेरीफाइंग द कोडेड डाटा. और फिर एनालिसिस की बात करें तो उसमें कंटेंट एनालिसिस है, देन वी हैव कंप्यूटर मैनुअल, देन वी हैव डेवलपिंग अ फ्रेम ऑफ एनालिसिस, उसमें भी कंप्यूटर और मैनुअल. तब हम डिटेल में समझते हैं डाटा प्रोसेसिंग के क्या स्टेप्स हैं. सो सबसे पहले हम एडिटिंग समझते हैं. नाउ व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एरर्स एंड ओमिशंस इन डाटा कलेक्शन एंड मेकिंग द करेक्शंस इफ रिक्वायर्ड. सो एडिटिंग बेसिकली इज़ अ डाटा क्लीनिंग प्रोसेस. एडिटिंग क्या है? डाटा को क्लीन करने का प्रोसेस है, ठीक है. और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एरर को चेक करते हैं, ओमिशन को चेक करते हैं डाटा कलेक्शन में, और करेक्शन मेड करते हैं अगर कुछ ज़रूरत होती है. अब एडिटिंग कब कब ज़रूरत होती है? एडिटिंग की ज़रूरत होती है अगर देर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी इन द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है. अगर इनकन्सिस्टेंसी है रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिस्पॉन्डेंट्स, तब एडिटिंग चाहिए होगा. अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो इनकरेक्ट है या फिर फॉल्स है, देन वी रिक्वायर एडिटिंग. इफ़ वी हैव सम इनकम्प्लीट आंसर्स गिवन बाय द रिस्पॉन्डेंट्स, देन वी यूज एडिटिंग. एंड इफ नो रिस्पॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय रिस्पॉन्डेंट्स फॉर सर्टेन क्वेश्चंस, देन वी यूज एडिटिंग. सो एडिटिंग कब कब हमें रिक्वायरमेंट होती है? व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी, व्हेन रिस्पोंडेंट्स मे प्रोवाइड इनकरेक्ट और फॉल्स रिस्पॉन्सेस, देन वी हैव इफ सम इनकम्प्लीट आंसर्स गिवन बाय रिस्पोंडेंट्स. इनकम्प्लीट हो आंसर, इनकरेक्ट हो, इनकंसिस्टेंसी हो, नो रिस्पॉन्सेज हो, सो एडिटिंग इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, so in a response to a question on the quality of products, respondent may state that he prefers to buy high quality products. In another response, he says that he purchases lower priced items. So there is inconsistency in responses. Why? Since high quality products are generally priced higher. So ek response mein to keh raha person ki use high quality products chahiye, the dusre response mein keh raha that he purchases low price item. So in general there is an inconsistency. Why? Because high quality products generally price higher, right? Now in case of a questionnaire, similar problems can crop up. So questionnaire ke time pe bhi is tarah ki problem aa jati hai. Now these problems to a greater extent can be reduced by checking the contents for completeness. तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि कंटेंट्स ऑफ को हमें चेक करना चाहिए कि कंटेंट्स कंप्लीट हो गए या नहीं. एंड वी हैव टू चेक दैट रिस्पॉन्स फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि कोई इंटरनल कंसिस्टेंसी है नहीं है, वी हैव टू चेक अप दैट. सो द वे वी चेक द कंटेंट्स फॉर कंप्लीटनेस डिपेंड अपॉन द वे डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड. तो हम किस तरीके से कंटेंट को चेक करेंगे, ये सब डाटा कलेक्शन के वे पे डिपेंड करता है. नाउ देयर आर सच सेवरल वेज फॉर मिनिमाइजिंग सम प्रॉब्लम्स. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि बाय इन्फ्रेंस.
So by inference, देखिए certain questions in a research may be related to one another and it might be possible to find out answer to one question from answer to another. तो certain questions होते हैं research में जो आपस में related होते हैं एक दूसरे से and ऐसा possible है to find out answer to one question from answer to another. And we must be careful about making such inferences. Next we have by recall. So by recall, if data is collected by interview, it might be possible to recall respondent's answer, right? Then by going back to the respondent, if possible to identify the information, visit or phone a respondent to confirm or ascertain the answer, of course. Of course, it's expensive and time-consuming, but we can, if it's possible, we can go back to our respondent. Now, there are two ways of editing the data. So, editing the data ke do ways hai. Pehla way. Way number one, examine all the answers to one question at a time. Jitne bhi question hai, examine all the answers to one question at a time. मतलब एक क्वेश्चन के, एक सिंगल क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स हैं उन सबको एग्जामिन करो एक टाइम पे, या फिर एग्जामिन ऑल द रिस्पॉन्स गिवन टू ऑल द क्वेश्चन बाय वन रिस्पॉन्डेंट एट अ टाइम, या फिर आप एक रिस्पॉन्डेंट ने जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं उसको आप एग्जामिन करो. ठीक है, तो ईदर यू गो टू वन क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और जिस जिस रिस्पॉन्डेंट ने आंसर दिया उस उसको एग्जामिन करो, या फिर एक रिस्पॉन्डेंट पकड़ लो और जिस रिस्पॉन्डेंट ने जिस जिस क्वेश्चन का जो जो आंसर दिया उसको एग्जामिन करो. तो मेथड टू को प्रेफर ज़्यादा करो एक रिस्पॉन्डेंट को चूज़ करने वाला. वाई? क्योंकि उससे क्या है, आपको एक टोटल पिक्चर मिल जाएगी रिस्पॉन्स की कि वो पर्सन एक्चुअली सोचता क्या है, और इसकी वजह से इंटरनल कंसिस्टेंसी भी एक्सेस हो जाएगी. Okay, next we move towards coding, another step of data processing. So coding is the process of categorizing the data according to a research subject or a topic and the design of the research. Coding kya hai? Coding is the process of categorizing the data. Data ko categorize karna is known as coding. एक रिसर्च सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डाटा की कैटेगरी बनाना, उसको हम कोडिंग कहते हैं. और कोडिंग का मेथड जो है लार्जली डिक्टेटेड है दो कंसिड्रेशंस पे बेस्ड है. पहली कंसिड्रेशन है द वे अ वेरिएबल हैज़ बीन मेजर्ड इन योर रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट in a response to a question is descriptive, categorical or quantitative. तो in a response to a question, ठीक है, so अब जो response दिया गया question को, तो question is whether descriptive, categorical or quantitative. So अब ये क्या है, ये coding को करने का एक method जो है coding का करने का, उसमें दो consideration है. क्या कंसिडरेशन है? पहली कंसिडरेशन ये है कि किस तरीके से वेरिएबल को मेजर किया जा रहा है, द वे अ वेरिएबल हैज़ बीन मेजर्ड इन योर रिसर्च. दूसरा तरीका देखिए, द सेकेंड वे इज़ द वे यू वांट टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, द वे यू वांट टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स अबाउट अ वेरिएबल टू योर रीडर्स. तुम अपने रीडर्स तक अपनी फाइंडिंग्स को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो वेरिएबल के बारे में हमने जो भी फाइंड आउट किया है, तो हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग टू आवर रीडर्स, दिस इज़ आवर सेकेंड कंसिडरेशन ऑफ कोडिंग. सो फॉर कोडिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन इज वेदर अ सेट ऑफ डाटा इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर. तो पहला जो सेट लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन है कि सेट ऑफ डाटा कैसा है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. फॉर क्वालिटेटिव डाटा, अगर आप कहते हो कि डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है, देन फर्दर डिस्टिंक्शन इज़ वेदर
इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर और डिस्क्रीट इन नेचर। तो अगर हमें पता चल गया कि डाटा क्वालिटेटिव है, तब आप डिसाइड करो कि वो डिस्क्रिप्टिव है या फिर डिस्क्रीट है नेचर में, ठीक है। अब अगर वो डिस्क्रिप्टिव है कैटेगरी में, तो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्विस टू अ कम्युनिटी। और अगर वो डिस्क्रीट है कैटेगरी में, जैसे कि इनकम अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रिप्टिव तो हो गया कि एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम किसका, सर्विस का, टू अ कम्युनिटी। फिर डिस्क्रीट में जैसे इनकम अबव एवरेज, बिलो एवरेज, जेंडर मेल फीमेल, रिलीजन में क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम और सिखिज्म व्हाट एट्सेट्रा। सो ईच ऑफ द वेरिएबल इज मेजर्ड ईदर ऑन अ नॉमिनल स्केल और ऑन अ ऑर्डिनल स्केल। सो हर जो वेरिएबल है, या तो वो नॉमिनल स्केल पे मेजर होगा या फिर वो ऑर्डिनल स्केल पे मेजर होगा, ठीक है। सो द वे यू प्रोसीड विद कोडिंग डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट स्केल यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल। सो द वे यू प्रोसीड विद कोडिंग डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट स्केल यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन फाइंड आउट मीन मीडियन मोड। इफ इनकम इज मेजर्ड ऑन एन रेशियो स्केल, अगर इनकम रेशियो स्केल पे मेजर्ड है, तो हम उसका मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं। बट अगर वो नॉमिनल स्केल पे मेजर्ड है, तब हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सेस गिवन बाय रिस्पोंडेंट्स, रिस्पॉन्सेस गिवन बाय रिस्पोंडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी? पहला ये क्वांटिटेटिव, दूसरा अगर दूसरा रिस्पॉन्स किया गया तो क्वांटिटेटिव होगा या फिर कैटेगरिकल होगा। कैटेगरिकल में भी फर्दर आएगा कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तीसरा डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स, तो डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स में क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज विच आर इनवेरिएबली क्वालिटेटिव। कीपिंग इन माइंड दैट दिस इज क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ क्वान्टिटेटिव रिसर्च नॉट द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, वो इनवेरिएबली क्वालिटेटिव होते हैं। और इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि क्वालिटेटिव डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च के पार्ट के अंदर, ठीक है। क्वालिटी वाले डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो तीन कैटेगरी हैं, क्वान्टिटेटिव, देन कैटेगरिकल विच फर्दर डिवाइड इनटू क्वालिटेटिव एंड अगैन क्वान्टिटेटिव, देन डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स जिसमें इनवेरिएबली क्वालिटेटिव है। कीपिंग इन माइंड दैट क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ क्वान्टिटेटिव रिसर्च। ऑल राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव स्टडीज, सो कोडिंग इज डन बाय डेवलपिंग थीम्स। अगर हम क्वालिटेटिव स्टडी की बात करें, तो कोडिंग होती तो है। कोडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, प्रोसेस ऑफ व्हाट, कोडिंग की डेफिनेशन। सो प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च सब्जेक्ट टॉपिक एंड डिज़ाइन ऑफ अ रिसर्च। सो क्वालिटेटिव स्टडी में कोडिंग होती है पर डेवलपिंग थीम्स होती है, पर क्वांटिटेटिव में ये एक फोर स्टेप का प्रोसेस है जिसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर स्टेप नंबर वन, डेवलपिंग अ कोड बुक। डेवलपिंग अ कोड बुक, सो अ कोड बुक प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू आंसर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। तो जब हम कोड बुक को डेवलप करते हैं ना, कोड बुक होती क्या है एक्चुअली, कोड बुक में ये होता है एक सेट होता है रूल्स के, ठीक है, रूल्स का एक सेट होता है जो हमें बताता है कि किस को न्यूमेरिकल वैल्यू क्या असाइन करनी है। तो कोडिंग अ कोड बुक प्रोवाइड्स अस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द आंसर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स
pre-testing the codebook. This is our step number 2. कि codebook develop कर ली, अब इसे हमें pre-test करना है. So a pre-test involves selecting few questionnaires. Pre-test में क्या होता है, हम कुछ questionnaires को select करते हैं and actually coding the responses to ascertain any problems in coding. It is possible that you may not have provided for some responses and therefore will unable to code the data. देखो pre-testing the codebook में क्या होता है, pre-testing में involvement होती है कि हम कुछ questionnaires को select करते हैं एंड एक्चुअली कोड करते हैं रिस्पॉन्स को टू ascertain any problems in coding. So it is possible that you may not have provided for some responses and therefore will unable to code the data. अगर ऐसा होता है कि if it is possible that आपने कि you may not have provided for some responses and therefore will unable to code the data. So at that time change your codebook. उस समय अपना codebook change कीजिए if required to light of the pre-test. जैसे ही आपको कोई problem face होती है, challenge face होता है, then change the your codebook. Step number 4 है coding the data. So once your codebook is finalized, एक बार codebook final कर दी तो next step है कोडिंग द डाटा. उसको कैसे करते हैं, तीन तरीक़ों से कर सकते हैं. कोडिंग ऑन द क्वेश्चनेयर शेड्यूल इटसेल्फ, इफ स्पेस फॉर कोडिंग वाज प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. तो आप क्या करो, कोड ऑन कर दो क्वेश्चनेयर शेड्यूल पे इटसेल्फ, अगर स्पेस दे रखा है और स्पेस बनाया गया था जब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो वहीं पर आप कोडिंग कर दो, वरना आप कोड कर दो एकदम सेपरेट कोड शीट्स बना दो जो अवेलेबल हो परचेज के टाइम पे, या फिर कोडिंग डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्राम सच एज SPSSX SAS. ठीक है, प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करके भी कोड कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चनेयर पे कर सकते हैं, सेपरेट कोड शीट पे कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम से भी कर सकते हैं. स्टेप फोर देखिए कैसे कोड करना है. वेरीफाइंग द कोडेड डाटा. कोडेड डाटा को कैसे वेरीफाई करें, देखो एक बार डाटा कोड हो गया तो सेलेक्ट कर लो कुछ फ्यू रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एट रैंडम और रिकॉर्ड करो रिस्पॉन्सेज टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपरेंसी इन कोडिंग. देन कंटिन्यू टू वेरीफाई कोडिंग अंटिल यू आर श्योर देर इज़ नो डिस्क्रिपरेंसीज. इफ देर आर डिस्क्रिपरेंसीज री एग्जामिन द कोडिंग. तो वंस your data is coded, select few research instrument randomly. ठीक है, एक बार डाटा कोड हो गया तो कुछ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करो रैंडमली, फिर रिकॉर्ड करो रिस्पॉन्स को एंड देन आइडेंटिफाई इफ एनी डिस्क्रिपरेंसीज इन कोडिंग. अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू करो, अगर है तो उसको री एग्जामिन करो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोडिंग. कोडिंग के आखिर का क्या प्रिंसिपल है. पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. कोडिंग जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. दूसरा प्रिंसिपल अप्रोप्रिएटनेस है. तीसरा प्रिंसिपल देखिए एक्सॉस्टिव है. तीसरा प्रिंसिपल क्या है, एक्सॉस्टिव है. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अप्रोप्रिएटनेस है एंड एक्सॉस्टिव है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेवलपिंग अ फ्रेम ऑफ एनालिसिस. सो फ्रेम ऑफ एनालिसिस जो हमने बनाया, फ्रेम ऑफ एनालिसिस. अब एनालाइज करने का जो फ्रेम है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए. सो अ फ्रेम ऑफ एनालिसिस should specify which variables you are planning to analyze. Which variables you are planning to analyze. Secondly, how they should be analyzed. कैसे उसे analyze करना चाहिए. And what
cross tabulations you need to work out. So frame of analysis में क्या होना चाहिए, कौन से variable, which variables you are planning to analyze, how they should be analyzed, what cross tabulations you need to work out, which variables you need to combine to construct your major concept, कौन से variable आपको चाहिए जिससे आपके major concepts हो जाए, है ना. Then which variables are subjected to which statistical procedure, मतलब कौन से variable को आपने कौन से statistical procedure के साथ subject करना है, ठीक है. Then we move towards frequency distribution. So frequency distribution group respondents, frequency distribution group में क्या होता है, respondent को हम divide करते हैं sub category में into which variable can be divided. तो frequency distribution groups the respondents into sub categories, respondent को frequency distribution जो है वो sub category में divide करता है, और उन सब कैटेगरी के अंदर वेरिएबल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे फ्रेम ऑफ एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर फॉलोइंग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एज के लिए, एमएस के लिए, टेडू के लिए, तो टीईडीयू 1, 2 एंड मल्टीपल, फिर स्टडी का भी ऐसे 1, 2, 3 एंड मल्टीपल. क्रॉस टेबुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम दो वेरिएबल लेते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंटली, यूजुअली एक इंडिपेंडेंट लेते हैं एक डिपेंडेंट लेते हैं, और एट्रीब्यूट करते हैं टू डिटरमाइन इफ देयर इज रिलेशन बिटवीन देम, और देखते हैं एक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं एक डिपेंडेंट लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या उन पर रिलेशन है या नहीं है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डाटा प्रोसेसिंग इन क्वालिटेटिव स्टडी. तो क्वालिटेटिव स्टडी में डाटा प्रोसेसिंग डिपेंड करता है कि हाउ यू प्लान टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स. तो देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन राइट अबाउट फाइंडिंग्स. You can develop a narrative to describe a situation. You can identify main themes. You can quantify the main themes. तो पहला जैसे process हो गया content analysis, you can say. So content analysis is nothing but analyzing of the content of interview, observation, field notes in order to identify the main themes that emerge from responses given by respondent. तो content analysis में content का analysis होता है. उसमें जो स्टेप नंबर 1 आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन थीम्स. नाउ वी नीड टू बी केयरफुल थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज गिवन बाय रिस्पोंडेंट्स टू ईच क्वेश्चन टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दे कम्युनिकेट. फ्रॉम दीज रिस्पॉन्स वी डेवलप ब्रॉड थीम्स विच रिफ्लेक्ट दीज मीनिंग्स. सो इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट वर्डिंग ऑफ योर थीम्स in a way that accurately represents meaning of responses categorized under a theme. Then step 2, assigning the code to main themes. Whether or not you assign a code to main theme is dependent upon whether or not you want to count the number of times a theme has occurred in interview. तो ये counting पे depend करता है कि कितने times जो है theme एक occur हुई है interview में. Then ये हो गया assigning code to main themes. Then we will classify responses under the main themes. So having identified the themes, next step is to go through the transcripts of all your interviews or your notes and classify the responses under the different themes. We can also use computer programs such as Ethnograph, NUDU, STAR, IST, I16. Then we have to integrate the themes and responses into text of your report. Having identified responses, we have to integrate them into text of our report. ठीक है, तो 4 step है content analysis के. पहला step developing main themes, then we have to assign the code, then we have to classify response under main theme, and then we have to integrate themes under responses. And responses को आपको text में convert करना है. So I hope guys, this lecture must be helpful.